हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, और यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटेगी तो हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि अभी दिवाली से एक दिन पूर्व पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की थी, पर उस दिन से लेकर आज तक कच्चे तेल की कीमतें देश में पेट्रोल में 8 रुपये प्रति लीटर कम हो गई, पर सरकार ने कीमतें कम नहीं करी। 5 रुपये प्रति लीटर की कमी का पेट्रोल में झुनझुना थमाकर देशवासियों को कच्चे तेल के दामों में हुई 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से मोदी सरकार ने वंचित कर दिया। साथियों, एक आंकड़ा और मैंने कैलकुलेट किया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को 2014 के स्तर पर ला दिया जाए और कच्चे तेल की कीमतों में जो घटत हुई है उसका लाभ देशवासियों को दे दिया जाए, तो डीजल में 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। अब साथियों, विस्तार से इसके बारे में आज की प्रेस वार्ता में मैं चर्चा करूंगा, पर डायनेमिक प्राइसिंग इन एसेंस इज इक्वल टू हेड आई विन टेल यू लूज, मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा, जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़ों है हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो, पिछले 7 सालों में कैसे इन चीजों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9.9% से भी ज्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%, ध्यान रहे ये दर 2% थी 11-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत को नहीं दे रहे। मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का कच्चे तेल का जो भारत सरकार कच्चा तेल खरीदती है उसका डॉलर प्रति बैरल का आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। जुलाई में भारत सरकार की जो इंडियन बास्केट था कच्चे तेल का, और ये सब सरकारी सोर्स का डेटा है, मेरा आपका नहीं, जुलाई में क्रूड के दाम थे 73.54 डॉलर प्रति बैरल, 73.54 डॉलर प्रति बैरल। अक्टूबर में क्रूड के दाम होंगे 82.11 डॉलर प्रति बैरल और दिसंबर में क्रूड के दाम होंगे 73.3 रुपीज डॉलर पर बैरल। अर्थात दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें जुलाई के स्तर पर आ गई, पर अगर हम उसी स्तर पर अगर तेल की कीमतों को निर्धारित करें तो 8 रुपये प्रति लीटर तो कमी हो जाती है पेट्रोल में और 7 रुपये प्रति लीटर कमी हो जाती है डीजल में। और इस कमी को नहीं करने का क्या कारण है वो बड़ा रोचक है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, भले वो IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, अगर हम उनके सितंबर 2021 की तुलना सितंबर 2019 अर्थात प्री कोविड लेवल पे अगर प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो IOCL का प्रॉफिट 2019% बढ़ा। अर्थात अगर वहां पे तेल की कीमतें कम कर देंगे देशवासियों के लिए तो इन तेल की कंपनियों का प्रॉफिट घट जाएगा, तो सरकार को लाभांश नहीं मिलेगा। तो अर्थात 5 रुपए का आपको झुनझुना मिले
और पीछे से 8 रुपये प्रति लीटर का जो बेनिफिट आपको और हमको मिलना चाहिए था वो सरकार ने रोक दिया, वो बेनिफिट तेल कंपनियों को दे दिया और उन तेल कंपनियों से लाभांश ले रही है सरकार। बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है सितंबर 2019 का, पेंडेमिक की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, बेरोजगारी अपने चरम पर फिर जा रही है क्योंकि देश में आवश्यक वस्तुओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है। उस समय भी अगर आप देशवासियों के हक का, पेट्रोल और डीजल की कमी का जो उनका हक था, क्योंकि आप कहते हो डायनेमिक प्राइसिंग है, या तो आप कहिए ये डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, पॉलिटिकल प्राइसिंग है, चुनाव से पहले आनंद फानन में हम कर देंगे और चुनाव के जो ही नतीजे आएंगे वापस बढ़ा देंगे, या तो आप ये बात